दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। वो बेहद साधारण परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। ओ बहनों को, माताओं को हजार हजार रुपए देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता है, पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। सुनीता ने कहा कि अरविंद हरियाणा के बेटे हैं और मैं आपकी बहू। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने वह कर दिखाया है जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं, लेकिन केजरीवाल झुकने वालों में से नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा वादा करते हुए मंच से कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिस देश की उन्नति होगी और दिल्ली और पंजाब में हर महिला को हजार हजार रुपए देने की योजना चालू होने वाली है। वहीं अब उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के बेटे हैं। केजरीवाल की पत्नी ने इमोशनल कार्ड खेला। आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है तो हरियाणा से अपना रिश्ता भी बता रही है।